और तमिलनाडु में AIADMK गंभीर संकट से गुजर रही है। पार्टी के अंदर दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई खुलकर अब सड़कों पर आ चुकी है। चेन्नई में दोनों गुटों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। जयललिता की पार्टी AIADMK में वर्चस्व की जंग खुलकर सामने आ गई है। चेन्नई में AIADMK में दो गुट आपस में भिड़ गए। पन्नीर सेल्वम और पलानी स्वामी के समर्थकों में जमकर भिड़ंत हुई। पार्टी के दोनों गुटों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की। जयललिता के जीवित रहते जिस AIADMK में नेतृत्व को कभी कोई नेता चुनौती नहीं दे पाया, उस पार्टी में अब अपने अपने गुट के वर्चस्व को लेकर खूनी जंग शुरू हो गई है। AIADMK के नेता पलानी स्वामी और पन्नीर सेल्वम के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया, एक दूसरे पर हमले भी किए। मद्रास हाईकोर्ट ने आज AIADMK आम परिषद की बैठक के लिए हरी झंडी दे दी, जिसके बाद पलानी स्वामी को पार्टी का अंतरिम महासचिव चुन लिया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK नेता पन्नीर सेल्वम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी को आज होने वाली आवाम परिषद की बैठक को रोकने की मांग की गई थी। दरअसल जयललिता के निधन के बाद से ही पार्टी दो गुटों में बंट गई थी और पलानी स्वामी और पन्नीर सेल्वम के गुट के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गयी।